बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अब न्यूज और मैं हूं नायला भट्टी। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। मामू कांजम से मोहम्मद जुबैर शेख की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत सुल्तान अल हकीकत कतुब आलम बाबा फजल शाह अल मारूफ नूर वाले के 45वें 3 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं, जिसमें इल्मी और अदबी नशस्तों का अहतमाम किया गया। जिनसे खताब करते हुए सजादा नशीन डॉक्टर अली मोहम्मद ने कहा कि बुजुर्गान औलिया अजाम लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक करने में वासिल का किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा जी सरकार फरमाते थे कि तसव्वुफ में सबसे पहला दर्जा शरीयत का है और वो व मंजिला दूध है, तरीकत व मंजिला दही, हकीकत व मंजिला मक्खन और मफरत व मंजिला घी है, और अगर दूध ही ना हो तो फिर कुछ भी नहीं बन सकता। उन्होंने मजीद कहा कि जो मुर्शिद अपने मुरीदीन को कुरान और शरीयत से हटकर मुरीदीन को अहकामात दे तो वह पीर तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बंदा को मोमन का दर्जा पाने में तौबा की सिर्फ पहला दर्जा रखती है, जबकि नमाज रोजा रोजा हज जक़ात बाद में आते हैं। उसमें महफिल नात महफिल समाज में दिगर तबलीगी तरबीती इवेंट भी शामिल थे, जिनमें मुल्क भर से मुरीदीन और अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें अब न्यूज।